मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये अंधी बुढ़िया चाहती क्या है। पहले तो हाथ धो के तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हुई थी, और अब मतलब तुम्हें बचाने के लिए वहां तक पहुंच गई। ऐसा क्यों कर रही है वो? शायद वो आहिल की नजरों में अपनी जगह बनाना चाहती है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वही सब कुछ कर रहा है तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? ये ड्रामा घर में रह के भी तो हो सकता है। अपने बेटे के आमने सामने रह के अगर वो तुम्हारे साथ प्यार से पेश आती है तो इससे आहिल पे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतनी दूर जाके ये नाटक नौटंकी क्यों की उसने। हम अपने दुश्मन को बचाने के लिए मजबूर हो गए, और ये सब कुछ उस बेकार सी वसीयत की वजह से हुआ। अगर सनम को उसके निकाह के पहले साल में कुछ हो गया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। बड़ी कंफ्यूजन हो गई है यार। क्या पहले उस शैतान की नानी की वाट लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? अब इस मीठी छुरी से कैसे निपटूं मैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता कि अब इस प्यारी सासू माँ को एक अच्छी भोली भाली बहू बन के निपटना होगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे ये बात सनम को बतानी होगी। हमने इतनी मेहनत से पहली बार आहिल को ये एहसास दिलाया था कि उनकी अम्मी भी गलत हो सकती, लेकिन तनवीर ने एक चाल चली और सब बाजी पलट गई। हम फिर से हार गए। अब आहिल को यही लगेगा कि जिस अम्मी की इबादत वो बचपन से लेकर आज तक करते आए हैं वो अम्मी वाकई में इतनी नेक है। उस अंधे से निपटने के लिए ये तो पता करना बहुत जरूरी है कि आखिर वो अचानक से इतनी मेहरबान कैसे हो गई तुम पे। मैं जानती हूँ कि अब वो आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहती। तो क्या हुआ अगर हम सनम को नुकसान नहीं पहुंचा पाए? तो फिर भी सनम को आहिल की जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। वो इस घर में बैठकर आहिल के करीब आने का मौका ही ढूंढ रही, और हम अपने बेटे आहिल को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका दिल मोम का बना है। अभी तो वो हमारे कब्जे में है, लेकिन उसे उसका होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन बेगम साहिबा, तो फिर आप क्या करेंगी? भाई, जो हमें करना चाहिए। तुमने देखा नहीं गजाला कि सनम को छोटी सी चोट लगी तो आहिल के दिल की हालत क्या हो गई? तो सोचो जब उसकी अम्मी को चोट पहुंचेगी तो आहिल के दिल को कितनी तकलीफ होगी। हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं और उसका सारा इल्जाम सनम पर डाल देते हैं। अगर हम सनम को मार नहीं सकते तो क्या हुआ? कम से कम आहिल और सनम के बीच की दूरियां तो बढ़ा ही सकते हैं ना, जो हालात के हाथों मजबूर होकर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए। जीत उसकी नहीं होती, हमें अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाना होगा। कैसे भी करके अगर तनवीर को ऐसा लगता है कि वो इस मजबूरी का फायदा उठाकर आहिल को मुझसे और सच्चाई से दूर कर देगी तो ये उसकी गलत फहमी है। आहिल को सच्चाई पता चलेगी और तनवीर को मैं गलत साबित करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़े ना तो मैं लगाऊंगी। आज मुझे दरगाह कर बहुत मजा आया, जानती हो क्यों? मैं हर बार अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांगने आता था, लेकिन आज पहली बार अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह के पास आया हूं। या अल्लाह, लगता है मुझे आने में देर हो गई। हया, चूड़ियों की दुकान देखो ना, कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। चलो तुम्हारे लिए लेते। नहीं फैज, मुझे नहीं चाहिए। See how beautiful नहीं चाहिए मुझे। देख तो लो। सच्ची में नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं कार लेकर आता हूँ। ओके, तुम यहाँ रुको।
या अल्लाह एक बार, बस एक बार राहत से मिला दे। अगर मैं आज उनसे नहीं मिल पाई तो फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। चोर, 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 कोई मेरा पर्स चुरा के ले गया, प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये तो हया की आवाज है। मैडम जी पर्स कहाँ रखा था? पता नहीं पर कोई मुझे ऐसा लगता है वहाँ चुरा के ले गया। प्लीज कोई है जो मेरी मदद कर सकता है प्लीज? आपने देखा नहीं ऐसे कैसे बोले? एक मिनट, क्या हुआ? फैज मेरा पर्स मैंने पता नहीं कहाँ। तुम पर्स लाई कहाँ थी? I am so sorry. देखिए कुछ नहीं हुआ है, ये थोड़ा भूल गई थी, ये हमेशा अपने साथ पर्स कैरी करती हैं और आज लाना भूल गई तो थोड़ी। मैं लाई थी फेस, मैं लाई थी। हया तुम कंफ्यूज हो गई, देखिए अक्सर चीजें भूल जाती हैं। आप जाइए अपना काम कीजिए। फैज मुझे माफ कर देना, आज मैं वाकई भूल गई थी कि मैं पर्स लाई थी या नहीं। पता नहीं कैसे हो गई मेरे से गलती, पता नहीं रात ने मुझे देखा भी है या नहीं। या अल्लाह कोई करिश्मा दिखा दे। आराम से देखो सनम, मैं तुम्हारा क्या करती, इस धूल की तरह तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। अगर ऐसा नहीं किया ना तो हमारा नाम भी तनवीर नहीं। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले फट से सारा काम कर देती हूँ। सनम बेचारी कहाँ काम करेगी, हाथ में इतनी चोट लगी हुई है। कौन है यहाँ? इतना गीला पोछा लगा है। अरे पूछा तो मैंने अभी लगाया भी नहीं है। कौन है? कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? जी, मैं सनम। सनम बेटा, इतना गीला पोछा लगा है कोई गिर सकता है बेटा? कितना गी? कुछ नहीं हुआ है, बस चिटक चिटक। अरे कोई आओ, बेगम साहिबा को, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा गिर गई। अरे बेगम साहिबा को, बेगम साहिबा गिर गई। अम्मी क्या हो गया? जल्दी आओ, अरे कोई आओ जल्दी। भाई बेटा क्या हो गया?
ये हल्ला अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आप ठीक तो हैं? अरे आहिल बेटा, वो सर में फर्श पोछने के लिए साबुन का पानी डाल दिया। जान बूझ के डाला था कि बेगम साहिबा गिर जाए, टूट जाए, और देखो बेगम साहिबा गिर गई और मुंह ही कमबख्त मारी, देखने भी नहीं आई। खड़ी खड़ी मुंह काला कर रही थी, कैसे खड़ी है वहां पे चुपचाप, आई भी नहीं उठाने के लिए। आप दोनों की अफीम सूंघ के आए? सनम वहां पर नहीं, सनम वहां नीचे खड़ी है। सनम, लेकिन हमने तो उसकी आवाज सुनी थी, वो वहीं पर थी और उसने तो हमें धक्का भी मारा था। अम्मी आपको गलत फहमी हुई है, अम्मी सनम वहां पर नहीं, सनम वहां नीचे खड़ी है। सनम मेरे साथ थी रसोई में, नई सनम को खाना बनाना सिखा रही थी। आहिल बेटा, हो सकता है कि फर्श गीला होगा इसीलिए हम। नहीं अम्मी, फर्श बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल गीला नहीं है। हम अंधे भी तो है ना आहिल बेटा, और अब बुढ़े भी हो अम्मी, चुके प्लीज, तो प्लीज अम्मी आप देखो, आप ऐसा बिल्कुल ना कहिए, ना आप अंधे हैं ना आप बूढ़े, आप में कोई कमी नहीं है, अंडरस्टैंड? तो हो सकता है कि अब हमारा अंदाजा ही ठीक नहीं रह गया। और आप दोनों करते क्या इस घर में? अम्मी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते, हर वक्त देखो खाना खाना खाना। आइए अम्मी, मैं आपको रूम में ले चलता हूँ। आहिल बेटा, तुम दोनों की आंखें या बटन, तुम दोनों के सामने वो सनम सबके सामने पीछे जाके खड़ी हो गई और तुम लोगों को दिखाई नहीं दी, नजर नहीं आई तुम दोनों को? गजरा लगा दी भैया। तुम दोनों को दिखी नहीं वो रजाक? तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? लेकिन बेगम साहिबा, हम लोग तो आपको रोकने में लगे हुए थे, लेकिन सच में बेगम साहिबा, सनम सीढ़ियों से कब उतरी और गायब होकर हमारे पीछे खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला, आपकी कसम। हाँ लेकिन क्या कर रही हो गजारा? बेगम साहिबा, आपको पूरा यकीन है कि वो सनम ही थी? तुम्हें क्या लगता है गजारा कि हम बेवकूफ हैं? हम अंधे हैं समझी, लेकिन हमें सुनाई साफ साफ देता है, हमने साफ साफ सुना था कि वो सनम की आवाज है, उसी की आवाज थी वो। लेकिन बेगम साहब, बेगम साहिबा, लेकिन सनम एक ही वक्त पे दो दो जगह कैसे हो सकती है? कहां से आ गई? बेगम साहिबा, ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, तब सनम रूह बनी थी। तुम लोग अपनी ये बेकार की बातें बंद करो और ये सोचो कि हम सनम को नीचा कैसे दिखा सकते हैं। हाँ समझे, और अभी अभी जाकर देखो, उस पर नजर रखो कि वो क्या करना चाहती है। जाओ भी। फॉलो मी। ओफो गा। ये भी नहीं है। लतीफ, लतीफ, वो नौशाद वाले पेपर्स कहाँ है? मैंने कल सुबह भाई, वो नौशाद वाली फाइल कल सुबह ही मैंने वहां, पुरानी आदत है आपकी, काम की जल्दी में होता है तो सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती। ये फाइल वहां, देखो तो सरा कैसे फूल बरसाए जा रहे हैं।
अरे वो आहिल की जिंदगी इसी तरह फूलों से भरती रही तो बहुत जल्द हमारी जिंदगी कांटों से भर जाएगी। हाँ सनम ने तो सिर्फ आहिल का कमरा सजाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम दोनों ये पूरा घर सनम के लाए हुए फूलों से सजा दो। लेकिन बेगम साहिबा ऐसा क्यों? इसलिए गजाला, क्योंकि हम कह रहे हैं जैसा हमने कहा है बस वैसा कर दो। जाओ। हाँ भालो में। मैं ये सोच रही हूं कि वो बेगम साहिबा सबकी जिंदगी में वो बनकर चुपती है क्या? अरे अरे वो जो लग जाए तो खून निकल आता है। क्या अरे वो कांटा? हाँ कांटा बनकर चुपती है, फिर वो इन फूलों का क्या करने वाली? तो हमारा आहिल तो तुम्हें कुछ कहता नहीं है। तुम उसी बात का तो फायदा उठाती हो, अपनी भोली भाली बातों में लोगों को फंसा कर अपनी उनकी आंखों में पर्दा डालती हो तुम, समझी? हेलो ठीक है, सनम को नहीं पता था, आप दोनों को तो पता था ना। आप लोग क्या कर रहे थे? लिली हटा सकते थे। सच में आप लोग इस घर में करते क्या मुझे समझ में नहीं आता। अम्मी सिर्फ एलर्जी है, मैं दवाई लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, आप आपका बेटा है यहाँ पर, आप चलिए चलिए आइए आइए। क्या हो गया? क्या हो गया बेगम साहिबा को? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बेगम साहिबा करना क्या चाहती हैं।